हेलो एवरीवन, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज इन्फ्लेशन? हर किसी को पता है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सिंपल है, वैसे हर किसी को पता रहता है, जैसे मैगी पहले आती थी 10 रुपए की, अब आने लगी है 14 रुपए की। दिस प्राइस राइज इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। दूसरी चीज है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन? अब किसी भी चीज को डिवाइड करने के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। सबसे पहला बेसिस है रेट ऑफ प्राइस राइज, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कितनी तेजी से किसी चीज का दाम बढ़ रहा है। तो ये पहला तरीका है। रेट ऑफ प्राइस राइज के बेसिस पर चार टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। फर्स्ट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज जनरली बिलो 3%, यानी कि प्राइस राइज बिलो 3% है तो उसे बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ट्रॉटलिंग इज बिटवीन 3 to 10%। गैलोपिंग इज मोर देन इक्वल टू 10%। एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। वेरी हाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, मतलब जब बहुत ज़्यादा रेट ऑफ प्राइस राइज हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2000 में हुआ था जिम्बाब्वे में, बहुत तेजी से चीज़ों के दाम बढ़ने लगे थे और जो करेंसी थी, जो वहाँ का रुपीस था, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि वो ऑलमोस्ट वैल्यूलेस हो गया था। ठीक है, जो मनी होता है वो इन कंडीशन में वैल्यूलेस हो जाता है। दूसरा आ जाता है, दूसरा बेसिस आ जाता है वोलेटिलिटी, यानी कि कितना वोलेटाइल है प्राइस राइज। उसके बेसिस पे दो होते हैं, कोर और हेडलाइन, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से देखते हैं। वोलेटिलिटी के बेसिस पे दो होते हैं, कोर और हेडलाइन। कोर लेस वोलेटाइल होता है, कोर इन्फ्लेशन, या यूं कह लें कि ज्यादा स्टेबल होता है। जो हेडलाइन है वो मोर वोलेटाइल होता है, या फिर लेस स्टेबल कह सकते हैं। यानी कि ऐसा क्यों है, कोर लेस वोलेटाइल क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें फूड और फ्यूल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब फूड और फ्यूल बहुत वोलेटाइल होते हैं, इनकी प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज होती है। जैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस कितनी बढ़ती है, इंडिया में भी आप देखेंगे, जैसे आलू प्याज है, कभी बहुत सस्ती मिलती है, कभी सीजनल वेरिएशंस होते रहते हैं। तो फूड और फ्यूल की जो प्राइस राइज होती है, फूड और फ्यूल का जो दाम है वो बहुत वोलेटाइल होते हैं, कभी भी बढ़ते रहते हैं, कभी भी कम होते रहते हैं। ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, इसलिए लेस वोलेटाइल होता है। और ये मोर वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि इसमें फूड प्लस फ्यूल इंक्लूडेड, फूड और फ्यूल दोनों इंक्लूडेड होते हैं इसमें, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन मोर वोलेटाइल होता है। तो कंज्यूमर के लिए क्या जरूरी है, अपने लिए क्या अगर इंपॉर्टेंस देखें तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है हेडलाइन इन्फ्लेशन, बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है किसी भी इंसान का वो या तो फूड में होता है या फ्यूल में। इसीलिए अपन आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी एक चैप्टर है उसमें बताऊंगा मैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है, इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर लिमिट, जिससे इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है, टारगेट सेट करती है। और उसका बेसिस क्या होता है, किसको टारगेट किया जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को, सीपीआई कॉम्बाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन का मतलब आपको पता चल गया, जिसमें फूड और फ्यूल इंक्लूडेड हो। कंबाइंड मतलब होता है रूरल प्लस अर्बन, और सीपीआई अपन आगे देखेंगे, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। सो अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, रेट ऑफ प्राइस राइज। दूसरा देखा ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी। तीसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या नहीं इन्फ्लेशन को। उसके बेसिस पे दो होते हैं, ओपन एंड सप्रेस्ड।
ओपन मतलब है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, सप्रेस मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे कि फर्टिलाइजर्स के प्राइस है इंडिया में, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सो इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ सप्रेस इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज के दाम को रेगुलेट कर रही है तो वो सप्रेस इन्फ्लेशन है। अगर गवर्नमेंट ओपन छोड़ दिया है, मार्केट रेगुलेट कर रहा है इन्फ्लेशन को, देन इट इज ओपन इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस, क्या वजह है इन्फ्लेशन की, इसके बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं इन्फ्लेशन: कॉस्ट पुश, डिमांड पुल एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन: कॉस्ट पुश, डिमांड पुल एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि किसी भी चीज को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कब बढ़ेगी, या तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, या फिर लेबर एक्सपेंसिव हो गया, या फिर इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारी वजह हो सकती हैं, आप अपने आप सोच सकते हैं कि किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो किसी भी चीज को अगर बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका दाम भी बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस होती हैं, वो रिक्वायर होती हैं, क्रूड ऑयल रिक्वायर होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज में, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। अब क्रूड ऑयल का दाम फ्लक्चुएट होते रहता है, सपोज बढ़ गया क्रूड, तो जो चीज बनाना है उसे बनाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा और उस चीज का दाम बढ़ जाएगा, और इसी को बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ गई तो महंगी हो जाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। अब ये कब बढ़ सकता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा, या तो सपोज पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किसी भी चीज की खाने की सपोज तो किसी भी चीज की डिमांड अपने आप बढ़ेगी, या फिर आपकी इनकम बढ़ गई लोगों की, ठीक, या फिर मनी सप्लाई बढ़ गई इकोनॉमी में, कुछ भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स कम हो गया, डायरेक्ट टैक्स यानी कि आपकी सैलरी में सपोज जो टैक्स लग रहा है वो कम हो गया तो आपके पास ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा इनकम आएगी तो आप ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और उसी कारण चीजों का दाम बढ़ जाएगा, इसी को बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और भी चीजें होती हैं, जैसे कि सपोज लोन वेवर्स, सरकार ने लोन वेवर दे दिया किसानों को या किसी को भी, तो उनके पास जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, पैसा है, वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, उनका पैसा बढ़ेगा, और यही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर आएगा इससे, तो उसमें जनरली जो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट दिए रहेंगे, यही वाले सारे पॉइंट है और भी बहुत सारे, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं हर एक चीज नहीं बता पाएगा कोई भी आपको, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिमांड पुल का या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। तो आपको इस तरह एग्जाम्पल दिए होंगे और क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सपोज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसमें दिया होगा ए बी सी डी, है ना, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, only 5, इस तरह दिया होगा और आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो वहां आपको ये भी काम आएगा, आपको बस ये मतलब पता हो जाना चाहिए कि कॉस्ट पुश क्या है और डिमांड पुल क्या है। फिर वहां जो ये दिए होंगे, इनमें से कुछ नए भी दिए होंगे ऑप्शन, जो भी स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको अगर मतलब समझ आ गया एक बार, जैसे ये सारी चीजें हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स अगर कम हो गया, टैक्स कम हो गया तो लोगों के पास इनकम ज्यादा आ जाएगी, इसी तरह और भी चीजें होती हैं जो दी होंगी आपको बनना चाहिए, जैसे एक्सपांसनरी फाइनेंशियल पॉलिसी अगर हो जाए, ठीक है,
एक्सपांशनरी फाइशल पॉलिसी, अगर किसी को मतलब पता हो, किसी ने पढ़ा हो, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली मनी सप्लाई बढ़ रहा है इकोनॉमी में। तो अगर वो बढ़ रहा है तो इट्स एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि अपन ने देखा अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तीसरा आ जाता है ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल इशू के कारण होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, है ना, मार्केट्स वगैरह में, मंडी में, इसमें इश्यूज होते हैं, इस कारण से जो प्राइस बढ़ती है, जैसे कि होल्डिंग के कारण होता है, है ना, प्याज की होल्डिंग कर लेते हैं कुछ लोग जो होते हैं, और उसके कारण उसके दाम बढ़ने लगते हैं। ये स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा, यही सारी चीज़ें हैं। किसी भी सेक्टर में आप बता सकते हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज, उसके कारण इतनी इफिशियंट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, जो मतलब प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा लग रहा है इसलिए वो चीज़ महंगी हो जाएगी। बहुत सिंपल सी है, लॉजिकल चीज़। तो अपन ने सबसे पहले देखा व्हाट इज इन्फ्लेशन, उसके बाद अपन ने देखा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत सारे बेसिस देखे अपन ने इन्फ्लेशन को डिवाइड करने के। सबसे पहला देखा रेट ऑफ प्राइस राइज, कितनी तेजी से इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या रेट है इन्फ्लेशन का, उसके बेसिस पर चार टाइप के इन्फ्लेशन देखे, क्रीपिंग, ट्रॉटलिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद अपन ने देखा कि इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज कितना वोलेटाइल है, उसके बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में अपन ने देखा वो लेस वोलेटाइल था बिकॉज फूड और फ्यूल इंक्लूडेड नहीं था, हेडलाइन में फूड और फ्यूल इंक्लूड था, और ये दोनों बहुत ही वोलेटाइल चीज़ें हैं, इनकी प्राइस चेंज होती रहती हैं, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा वोलेटाइल था। और अपन ने ये भी देखा कि फूड और फ्यूल मेन अपना जो हम लोग खरीदते हैं उसमें मेन खर्चा अपना ही होता है फूड और फ्यूल का, इसलिए अपने लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसलिए आरबीआई भी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो टारगेट रखती है, वो इसी बेसिस पर, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बेसिस पर रखती है। तीसरा अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, दो टाइप के थे, ओपन एंड सप्रेस्ड। ओपन में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, सप्रेस्ड में कर रही है। अपन ने एग्जाम्पल देखा जैसे फर्टिलाइजर के प्राइसेस इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। चौथा अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या वजह से इन्फ्लेशन हो रहे हैं, उस बेसिस पे अपन ने तीन टाइप में डिवाइड किया, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल एंड स्ट्रक्चरल। कॉस्ट पुश में प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, बहुत सारे वजह हो सकते हैं, उसके कारण चीज़ें महंगी हो रही हैं और इन्फ्लेशन हो रहा है। डिमांड पुल में किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, डेफिनेट उसके भी बहुत सारी वजह हो सकते हैं, अपन ने देख लिया, डिमांड किसी चीज़ की बढ़ रही है तो उसके दाम भी बढ़ेंगे यानी इन्फ्लेशन होगा। और तीसरा अपन ने देखा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यानी कि किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में या इंडस्ट्रीज में स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, जैसे कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं सही से हो रही है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इश्यूज हैं, उस कारण से उतना एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, खर्चा ज़्यादा होता है प्रोडक्शन में, खर्चा ज़्यादा होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब अपन तीसरी चीज़ में, अब अपन व्हाट इज इन्फ्लेशन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखने के बाद तीसरी चीज़ में आते हैं, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं। उसमें से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पता होना चाहिए, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, उसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन सारे तरीके देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट से, विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका लेवल क्या होता है, यानी कि किस लेवल पर होलसेल, मतलब नाम से पता चल रहा है होलसेल, ठीक है, किसी चीज इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे हैं होलसेल लेवल पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, रिटेल लेवल पे। ये कौन रिलीज करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इनसे क्वेश्चन आता रहता है। कौन मेजर करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये कौन निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस,
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर है इसका 2011-12, इसका है 2012। ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसमें देखो पहला लेवल तो नाम से पता चल रहा है, होलसेल है, रिटेल है, कौन निकालता है, बेस ईयर क्या है, आपको याद होना चाहिए। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र निकालता है, यहाँ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है। बेस ईयर 2011-12, यहाँ का 2012। फिर आ जाता है कैटेगरीज। कैटेगरीज में अपन देखेंगे कि किन प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। सबसे पहले अपन देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, फॉलोड बाय प्राइमरी आर्टिकल्स, फॉलोड बाय फ्यूल एंड पावर। ये भी आपको रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर देंगे, आप देंगे आप लोग है ना, मॉक सॉल्व करेंगे, जो आप पास्ट ईयर भी पेपर देखेंगे तो ये पूछा ही होता है कई बार कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का शेयर है। सबसे ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर प्राइमरी गुड्स का, एंड फिर फ्यूल एंड पावर। इसमें भी एक और चीज़ में और डिटेल में जाऊँ तो थोड़ा, इसमें आ जाता है फूड एडिबल प्राइमरी गुड्स में एंड नॉन फूड। नॉन फूड तो होते हैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग, फिर प्राइमरी, फिर फ्यूल एंड पावर। तो आपको लगेगा कि नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल फ्यूल एंड पावर में आता है, बट ऐसा नहीं है, ये प्राइमरी में आता है। प्राइमरी दो में डिवाइड करते हैं, फूड एडिबल एंड नॉन फूड। नॉन फूड में नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल आता है। अगर इसमें देखें तो इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। सबसे ज्यादा इसमें शेयर होता है, यहां था मैन्युफैक्चरिंग का, यहां होता है फूड एंड बेवरेजेस का। उसके बाद 5 और कैटेगरी होती हैं, आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बट कुछ चीजें इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। फूड एंड बेवरेजेस के बाद एक होती है फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फुटवियर, पैन, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट। ये सब इसमें क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि अपन ने ऊपर देखा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल पे होता है, यानी कि कंज्यूमर क्या खरीद रहा है और यही चीज़ें खरीदता है कंज्यूमर सारी चीज़ें, इसलिए सारी चीज़ें ये कैटेगरी होती है इसकी। 5 हो गए, 6वां एक और होता है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ पर खर्चा होता है इंसान का, और ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन को क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे बड़ा शेयर किसका होता है? फूड एंड बीवरेजेस का, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब अपन लिंक करते हैं एक चीज को। अपन ने देखा था कि कोर इन्फ्लेशन होता है, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, है ना। अपन ने देखा था इसमें फूड एंड फ्यूल नहीं है, इसमें है। तो अब अगर अपन को कोर इन्फ्लेशन चेक करना हो तो इसमें टोटल 6 कैटेगरी है, कैसे चेक करेंगे? 6-2 कर देंगे, है ना, 6 कैटेगरी को जोड़ेंगे, 6 कैटेगरी, बस 2 को छोड़ना है, -2 कौन सी? फूड एंड बीवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट, ये तो नहीं है कोर में। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, जैसे यहाँ अपन ने देखा था कि फ्यूल एंड पावर है, लेकिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल नॉन फूड प्राइमरी वाले में आ जाते हैं, फ्यूल एंड पावर में नहीं आते। इसी तरह यहाँ पास जो पेट्रोल है और डीजल है वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसका पार्ट है? मिसलेनियस का। वो फ्यूल एंड लाइट में नहीं आते, इसलिए एक और कॉन्सेप्ट अब आ गया है। नीचे देखते हैं,
रिफाइंड कोर, ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन? कोर अपन ने देखा जो छह कैटेगरी है सीपीआई की, -2 मतलब कौन कौन सी, जो फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट वाली थी वो हटा दी क्योंकि वो कोर में नहीं आती. लेकिन एक होता है रिफाइंड कोर, रिफाइंड कोर में 6 -2 -, दो चीजें और माइनस करते हैं. क्या होती हैं वो दो चीजें जो माइनस करते हैं? पेट्रोल और डीजल. एक मिनट, पेट्रोल और डीजल, ठीक है, बिकॉज पेट्रोल और डीजल फ्यूल का पार्ट नहीं बनाते हैं, वो आते हैं मिसलेनियस में. इसलिए कोर इज 6 -2, यानी कि छह कैटेगरी माइनस फूड एंड बीवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट. रिफाइंड कोर इज 6 -2 - पेट्रोल एंड डीजल ऑफ मिसलेनियस, अपन लिख लें डायरेक्टली, ठीक है. इसे बोलते हैं रिफाइंड कोर, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपन ने देखा, अपन देख रहे थे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, उसमें अपन ने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल क्या होता है, ये रिटेल होता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये रिलीज होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सीपीआई रिलीज होता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर होता है 2011-12 और सीपीआई का होता है 2012. अब कैटेगरीज अपन ने देख ली, यानी कि किस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा शेयर होता है इसको डब्ल्यूपीआई में. अपन ने देखा मैन्युफैक्चरिंग, फॉलोड बाय प्राइमरी, फॉलोड बाय फ्यूल एंड पावर. रिटेल में अपन ने देखा छह कैटेगरी होती हैं, सबसे ज़्यादा शेयर होता है फूड एंड बीवरेजेस, फॉलोड बाय अदर 5. अब अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा, अब अपन ने यहाँ देखा कि यहाँ कैटेगरी है फूड एंड बीवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, पैन, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेशन एंड मिसलेनियस. एंड मिसलेनियस में एक कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर आता है पेट्रोल एंड डीजल. सो पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट पार्ट ऑफ फ्यूल एंड लाइट. सो अपन ने देखा, यहाँ एक रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझा कि कोर इज 6 -2, छः कैटेगरी माइनस टू फूड एंड फ्यूल वाली, बट रिफाइंड कोर इज 6 -2 - पेट्रोल एंड डीजल, बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल वाले में इंक्लूडेड नहीं थे, वो मिसलेनियस में थे. तो रिफाइंड कोर ऐसे कैलकुलेट करते हैं. अपन आगे बढ़ते हैं. WPI में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं कि नहीं? नहीं होती. और CPI में होती हैं. ये टारगेटेड बाय इन्फ्लेशन? नो, यस. अपन ने देखा था ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, CPI. अब आपको समझ आ रहा होगा, रूरल प्लस अर्बन हेडलाइन. अब आपको पूरा समझ आ रहा होगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है. CPI अपन ने देखा क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर को रिटेल चीज़ें जो अपन खरीदते हैं उसका दाम, ठीक है, रूरल प्लस अर्बन यानी कि दोनों जगह का. और हेडलाइन अपन ने देखा, हेडलाइन क्या होता है, हेडलाइन होता है जिसमें फूड और फ्यूल दोनों इंक्लूडेड हो, फूड प्लस फ्यूल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है. अब कुछ और चीज़ें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने आइटम्स होते हैं इसमें चेंज होते रहते हैं. 697 हैं, 299 है, ये रिलीज होता है 14th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है. ये भी आपको पता होना चाहिए कि मंथली रिलीज होते हैं दोनों, ये 14th को होता है या 12th होता है, 12th ऑफ एवरी मंथ. अब CPI के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि CPI वेरियस सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए अलग अलग भी मेजर किया जाता है. जैसे कि CPI मेजर किया जाता है एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, CPI मेजर किया जाता है रूरल लेबरर्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, और CPI कंबाइंड जो नॉर्मली होता है, जो अपन ने देखा था. बेस ईयर सबका अलग होता है, बेस ईयर CPI एग्रीकल्चर लेबरर का होता है 1986-87, रूरल लेबरर का होता है 1986-87, इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है 2016, और इसका तो अपन ने देखा ही था 2012 जो अपन ने पढ़ा है. कौन रिलीज करता है ये तीनों? रिलीज्ड बाय द
लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन रिलीज करता है, क्योंकि और ये अपन ने देखा था कौन रिलीज करता है ना, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों अलग अलग रिलीज किए जा रहे हैं, इनका यूज किया जाता है कई जगह, जैसे कि सीपीआई एग्रीकल्चर का, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर का यूज किया जाता है एम जी नरेगा वेक्स को डिटरमाइन करने में। ऐसा क्यों है बेसिकली, आप क्यों वेज को डिटरमाइन करने में यूज कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर का मतलब है, सीपीआई क्या है, एक मेजरमेंट है इन्फ्लेशन का, कंज्यूमर रिटेल लेवल पर जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसका मेजरमेंट है। एग्रीकल्चर गांव में कौन रहते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर, तो कितना इन्फ्लेशन हो रहा है गाँव के लेवल पर एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, उसे बोलेंगे सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर, और जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उसी बेसिस पे आप वेज देंगे, इसीलिए एम जी नरेगा की जो वेज होती है उसी बेसिस पे डिफाइन होती है कि रूरल की एग्रीकल्चर लेबरर को कितना इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, इट इज यूज्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, इट इज यूज्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और एक और बात है, जो डीएनएस अलाउंस होता है ना गवर्नमेंट, आप लोगों के जो आप में भी शायद कुछ लोग जॉब करते हो या आपके फैमिली में जॉब करते होंगे लोग, तो जो डीएनएस अलाउंस होता है जो मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, वो भी इस बेसिस पर डिटरमाइंड होता है सीपीआई के बेसिस पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन देखेंगे, एक होता है एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स, ये अपन आगे देख लें, चलो यहीं देख लेते हैं। एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स, एफएओ इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और फूड प्राइस इंडेक्स ये ट्रैक करता है चेंजेस इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज मोस्ट कॉमनली ट्रेड की जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी प्राइस को चेंज को डिटेक्ट करता है। तो कौन कौन सी कॉमोडिटीज होती हैं, सीरियल्स है ना, मीट, ये आपको याद नहीं रखना, मैं ऐसे जनरल बता रहा हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स, सुगर, वेजिटेबल ऑयल, उसका बेस ईयर आपको पता होना चाहिए, बेस ईयर है इसका 2000, बेस ईयर है, पूरा लिख दूँ, बेस ईयर है इसका 2014-16, ये याद होना चाहिए, और एफ ए रिलीज करता है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है वैसे ही, बस आपको ये बेस ईयर पता होना चाहिए और एफ ए रिलीज करता है ये पता होना चाहिए। अब एक चीज है, वाई देयर इज डाइवर्जेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आप देखेंगे आते रहता है न्यूज में, आप जो न्यूज पेपर पढ़ता होगा वो देखेगा, या फिर नहीं भी पढ़ता करंट अफेयर की मैगजीन्स में भी आप देखेंगे, ये आते रहता है कि सीपीआई इस महीने इतना है, हर तीन महीने में रिलीज होते रहते हैं, डब्ल्यूपीआई इतना है, अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं जैसे दोनों, तो फ्लक्चुएशंस क्यों देखने को मिलते हैं, कभी दोनों एक जैसे नहीं होते, सीपीआई कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी डब्ल्यूपीआई बहुत ज्यादा चल रहा होता है। तो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा है कि जो बास्केट्स ऑफ गुड होते हैं वो डिफरेंट है, इसलिए देयर इज डाइवर्जेंस इन सीपीआई, जरूरी नहीं कि एक बढ़ रहा है तो अगला बढ़े, डिफरेंट होते हैं। दूसरा, मैक्सिमम शेयर किस चीज का होता है, सीपीआई में होता है फूड एंड बीवरेजेस, फूड का, और डब्ल्यूपीआई में किस चीज का होता है, अपन ने देखा था ना, किस चीज का होता है डब्ल्यूपीआई में, मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का होता है सबसे ज्यादा शेयर, इसलिए शेयर्स अलग होते हैं, ये मेन वजह होती है, और भी बहुत सारी वजह हैं, बट ये मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए किया था कि डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि सीपीआई अलग आ रहा है, सपोज मैं इमेजिनरी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सीपीआई मान लो आ रहा है 7%, ये आ रहा है 12%, तो आपको लग रहा है यार इतना ज्यादा अंतर कैसे है, तो उसकी वजह यही है कि बास्केट ऑफ गुड अलग है, मैक्सिमम शेयर अलग है। अब देयर इज रीजन फॉर राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है लेटेस्ट में, तो उसके बहुत सारे वजह हैं, अपन देखते हैं कॉस्ट पुश और डिमांड पुल के बेसिस पर।
ठीक है, कॉस्ट पुश यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो, बट ये इतना वो नहीं है, ये मेंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है जो आपके आसपास हो रहा है आप वो समझ पाएंगे। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इट लीड टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी ना, जो चीज़ें अपन इम्पोर्ट कर रहे हैं वो नहीं आ पाएंगी, है ना। इसी तरह इसी के कारण ऑयल पे भी इम्पैक्ट आया, और भी चीज़ों पे इम्पैक्ट आया, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स पे आया और जो भी चीज़ें पे आया उन सबका दाम बढ़ गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एनर्जी प्राइसेस हैं, एनर्जी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं। COVID-19 आया था उसके कारण सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, ये सब वजह हैं, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसके कारण इन्फ्लेशन इस समय ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये सब वजह किस क्या कर रही हैं, कॉस्ट बढ़ा दे रही हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दे रही हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन, ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, वॉर्स होना जिसके कारण सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाना, ये सब ये बढ़ा देती हैं। या फिर डिमांड पुल भी है, जैसे कि अभी कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी हुई, UPSC में क्वेश्चन भी आया था मेंस में कि वी शेप्ड रिकवरी है कि नहीं, शायद 2021 में आया था, शायद तो 2021 के मेंस में GS3 में आया था, वी शेप्ड रिकवरी हुई जिसके कारण यानी कि पैसा आने लगा, मनी लोगों के पास ज़्यादा आने लगा, जिससे कि डिमांड बढ़ गई चीज़ों की, जिससे कि अब इन्फ्लेशन डिमांड पर इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टिमुलस मेजर्स लिए, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ ने, ठीक है, जैसे US था, जापान था, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूट किए लोगों में, स्टिमुलस मेजर्स लिए, मनी मतलब जब COVID-19 हुआ था तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जिसके कारण मनी सप्लाई बढ़ा और इसके कारण बढ़ गया था, है ना, और डिमांड बढ़ गई बहुत सारी चीज़ों की, जैसे लैपटॉप मोबाइल डिजिटल गुड्स हैं, उसकी COVID-19 में डिमांड बढ़ी, इस कारण से बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे आप खुद सोच सकते हैं कि ये मैं इसलिए भी नहीं बता रहा क्योंकि ये चेंज होती रहती है, आप 2023-24 जब भी एग्जाम देंगे तो ये चेंज हो जाएगी, उस समय हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो इन्फ्लेशन, और वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, वेरियस जो हो रहा है इकोनॉमी में, नॉट ओनली इन इंडियन बट इन इंटरनेशनल इकोनॉमी में वेरियस जो चीज़ें हो रही हैं वो इम्पैक्ट करेंगी इन्फ्लेशन को, तो राइज एंड फॉल होता रहता है। अब अपन ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने देखा व्हाट इज इन्फ्लेशन, उसके बाद अपन ने देखा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वेरियस बेसिस पे देखा अपन ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तीसरी चीज है उसके बाद अपन ने देखा क्या, देखा अपन ने मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में अपन ने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़ ली हैं, विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे वेज होते हैं टू मेजर इन्फ्लेशन, जैसे GDP डिफ्लेटर, सर्विसेज प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेक्स, ये अपन देखेंगे क्या होता है, रेसिडेंशियल इंडेक्स होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है, सारी चीज़ें देखेंगे। ये बहुत छोटे छोटे हैं बट ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो आपको बेसिक बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर इज मेजर ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर इन इकोनॉमी, ठीक है, मेजर ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन करंट ईयर इन इकोनॉमी, यानी कि सारी गुड्स सारे सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके प्राइसेस में क्या चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। सो इट्स अ मेजर ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन, इसमें सब इंक्लूडेड होता है ना, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट एक चीज इंक्लूड नहीं होती जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है, विच इज इम्पोर्ट। जो भी इम्पोर्ट हो रहा है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने में सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, क्या एक्सक्लूड कर देते हैं अपन, विद इम्पोर्ट। सो GDP डिफ्लेटर का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। GDP आपको पता है क्या होती है, हर किसी को पता होगी, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब नॉमिनल और रियल GDP, बेसिक आइडिया वैसे सबको होगा, नॉमिनल GDP GDP नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को
इन्फ्लेशन को अगर जीडीपी कैलकुलेशन में अगर इन्फ्लेशन का ध्यान ना रखा गया हो, इन्फ्लेशन को ना कैलकुलेट किया गया हो, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल, एंड रियल में इंक्लूड होता है। सो इसका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखना, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब इस रेशियो का मतलब क्या है, क्या क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा कर याद रखना है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ दिस रेशियो हेल्प्स अस टू नो द एक्सटेंट टू विच राइज इन जीडीपी has happened on account of higher prices, that is inflation, rather than actual rise in output. ठीक है, अब इसको सिंपल वर्ड में बताऊं, वैसे तो समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पता चलता है कि जीडीपी में जो भी राइज हुआ है, हर साल अपनी जीडीपी राइज होती रहती है, कम ज़्यादातर जैसे अपनी डेवलपिंग इकोनॉमी है, हर साल अपनी जीडीपी राइज होती है इतने से इतने से इतने से, तो ये रेशियो बताता है कि जीडीपी राइज कितनी इस वजह से हुई, इन्फ्लेशन की वजह से हुई है ना। एक तो जीडीपी राइज का क्या तरीका हो सकता है, या तो आउटपुट बढ़ जाए, मेन यही तरीका होता है ना कि प्रोडक्शन बढ़ जाए किसी भी चीज का तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन एक रोल होता है इन्फ्लेशन का भी, यानी कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ गया पर चीज का दाम बढ़ गया, पहले 10 था आज 15 हो गया, तो 15 कैलकुलेट करेंगे ना जीडीपी कैलकुलेट करने में, तो इसे बताइए, बताता है ये जीडीपी डिफ्लेटर कि कितना इन्फ्लेशन अकाउंट कर रहा है जीडीपी राइज के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मैं डिटेल में अगर इसे बताऊं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ये, जैसे कि वैसे बहुत सिंपल है, जैसे कि कोई 10 रुपए की चीज मिलती थी, 10 रुपए का मान लो एक टॉफी मिल रही है और 10 टॉफी बनाई जा रही है एक इकोनॉमी में, तो उसका जीडीपी कितना आएगा? 100। बहुत सिंपल सी बात करें, 10 × 10 = 100। लेकिन अगले साल अपन 10 ही टॉफी बना रहे हैं, लेकिन एक टॉफी 12 रुपए की बिक रही है, आप समझे? यहाँ पास आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, आपका प्रोडक्शन उतना ही, आपका इन्फ्लेशन के कारण उसका प्राइस बढ़ गया, तो आप जीडीपी आपकी आ जाएगी 120। लेकिन ये जीडीपी राइस इस वजह से नहीं हुआ है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इस वजह से हुआ है कि दाम बढ़ गया था। तो यही बताता है, फिर से पढ़िए आप, रेशियो हेल्प्स अस टू नो द एक्सटेंट टू विच द राइज इन जीडीपी, जो राइज हुआ है जीडीपी में, हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस, ये जो प्राइस बढ़ी है, रेदर देन द एक्चुअल राइज इन आउटपुट, जो एक्चुअल राइज इन आउटपुट नहीं हुआ था, प्राइस बढ़ी थी उस कारण से बढ़ा। अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। सो जीडीपी डिफ्लेटर अपन ने देख लिया, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर 2011, इट इज रिलीज बाय CSO, जो अपन ने देखा था, कहाँ देखा था? CPI में। CPI भी CSO रिलीज करता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड इट कम्स विथ अ लैग, यानी मतलब इसका कब रिलीज होता है वो CPI और WPI अपन ने देखा था, मंथली रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इट कम्स विथ अ लैग, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्वार्टरली और ईयरली रिलीज होता, इसलिए तुरंत नहीं बताता है, 4 महीने बाद बताएगा कि इन्फ्लेशन कितना हुआ। सो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले अपन ने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तीसरा अपन ने देखा जीडीपी डिफ्लेटर, चौथा अपन देखेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर को किस प्राइस में पड़ रही हैं चीजें, ठीक है? जैसे कोई एक फैक्ट्री है, तो मंदी बन गई तो फैक्ट्री है ना, कोई भी सपोज एक फैक्ट्री है वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ये प्रोड्यूसर ऑफ गुड है, तो प्रोड्यूसर ऑफ गुड को कितने में पड़ रही हैं चीजें, इस पे कितना प्राइस राइज हो रहा है, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें दो होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट जो आ रहा है, आउटपुट जो जा रहा है फैक्ट्री से, सिंपल सा है, इनपुट आउटपुट, ठीक है? ये बहुत बेसिक टर्म से सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल में चीजों के दाम बढ़ते हैं उसको मेजर करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल में जो चीजों के दाम बढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, एक जनरल इकोनॉमी में कितनी थी, जनरल प्राइस जो होता है उसे कैलकुलेट करता है इसमें, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, अपन ने देखा था ना, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्ट,
और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कि प्रोड्यूसर के लिए कितनी चीज़ें महंगी हो जा रही हैं। जो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स है उसमें दो होते हैं, इनपुट और आउटपुट। हाउ इट डिफर्स, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, क्यों कंक्लूड कर रहे हैं WPI से अलग कैसे है? WPI से अलग इसलिए है बिकॉज में WPI में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी तो इंक्लूड होती हैं। WPI क्या है, प्रोड्यूस कर दिया अब बेचा होलसेल में किसी को, जो बायर है, बायर ने आपको बेच दिया, ठीक है, जो आप है या आपको बेच दिया बायर ने। तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो तो इस लेवल पे और इस लेवल पे मेजर कर रहा है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ है, तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट, यहाँ सप्लाई करने में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी तो लगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वो WPI में इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन जो PPI होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसमें इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा इसमें सर्टेन टैक्सेस भी इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि WPI में ट्रेडर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इसने बनाया और इसे बेच दिया तो कुछ प्रॉफिट भी तो कमाएगा, ये इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ इंक्लूड नहीं होता, ये इस स्टेज में है, जो प्रोड्यूसर को खर्चा पड़ रहा है उस स्टेज में है। और क्या है, और एक और इम्पोर्टेंट है कि इट इंक्लूड्स बोथ गुड एंड सर्विसेज। अपन ने देखा होगा, आपको याद होगा, अपन ने टेबल बनाई थी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती। देखते हैं ऊपर जाके, बनाया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती, इसमें होती हैं। लेकिन जो अपन ये कैलकुलेट करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसमें हो जाती हैं, ठीक है, उसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके लिए। फिर आ जाता है पांचवा, सर्विसेज प्राइस इंडेक्स, नाम से पता चल रहा है सर्विसेज। अब इसे क्यों कैलकुलेट करना है, बिकॉज अराउंड 55% ऑफ इंडियाज GDP सर्विसेज बनाती है ना, 55% इंडिया की GDP सर्विसेज बनाती है। और जो अपनी कुछ लोग कहेंगे कि सर CPI में भी तो इंक्लूड कर रहे थे होलसेल, अपन ने देखा यहाँ ऊपर ही मैंने बताया कि सर्विसेज WPI में नहीं कैलकुलेट करते हैं लेकिन CPI में करते हैं। तो आप बोलेंगे सर CPI में तो कर रहे थे सर्विसेज, लेकिन CPI में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज करते हैं, इसीलिए एक सर्विसेज प्राइस इंडेक्स बनाया गया जिसमें कि लगभग सारी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें बस एक चीज, नाम से पता चल रहा था सर्विसेज प्राइस इंडेक्स, अपन ने बेसिक चीज समझ ली कि क्यों करना जरूरी है, और CPI में एक तो ये है और CPI है तो उसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते। अब ये कौन निकालता है, ये निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना, ये निकालता है ना। सो ये सारी चीज़ें कौन क्या निकालता है, इसके आप एक अलग से टेबल बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना, ऐसे टेबल बना लेना कि यहाँ तीन चीज़ों की, यहाँ पास इंडाइस, यहाँ पास होल एंड बेस ईयर, ठीक है, क्या नाम है, कौन निकालता है, बेस ईयर क्या है, क्या नाम है, कौन, ये एक्सरसाइज आप खुद कर लेना, 5 मिनट लगेंगे करने में क्योंकि सारी चीज़ें आपकी लिखी लिखाई हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। फिर आखिरी आ जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेक्स, नेशनल NHB नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेक्स, यानी रेसिडेंशियल इंडेक्स, यानी कि रेसिडेंशियल इंडेक्स में कौन निकालता है, नाम से पता चल रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है। बेस ईयर क्या है ये याद रखना, 2017-18 है। इंडाइसेस कौन कौन से होते हैं, अब इसमें फर्दर बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, एक हो जाता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये प्राइस को ट्रैक करता है हाउसेस की। अब इसमें भी बहुत डिटेल में अगर अपन जाएं तो अराउंड 50 सिटीज में कैलकुलेट करता है, और इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। देर इज़ हाउसिंग रेंटल इंडेक्स जो कि रेंटल प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसे मेजर करता है। हाउसिंग क्या था, रेंटल इंडेक्स। देन कम लैंड प्राइस इंडेक्स, देन लास्ट वन इज बिल्डिंग मटेरियल,
बिल्डिंग मटेरियल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, चार होते हैं, नाम से सब पता चल रहे हैं। ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, हाउस की प्राइस कितनी चेंज हो रही है, हाउसिंग रेंटल इंडेक्स यानी रेंटल प्राइसेस चेंज हो रही है, लैंड की प्राइस कितनी चेंज हो रही है, और बिल्डिंग मटेरियल प्राइस इंडेक्स यानी कि जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत है उनकी प्राइस कितनी चेंज हो रही है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया था शुरू से, अगर अपन देखें अपन ने सबसे पहले देखा था व्हाट इज इन्फ्लेशन, देन अपन ने देखा वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिर अपन तीसरी चीज में आ गए थे टाइप्स के बाद, विच इज द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि अब अपना कंप्लीट हो चुका है, और ये मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। इसमें अपन ने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स डिटेल में, अपन ने देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी डिटेल में देखा, उसके बाद अपन ने देखा जीडीपी डिफ्लेटर, उसके बाद देखा अपन ने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सर्विसेज प्राइस इंडेक्स, और अब नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेंशियल इंडेक्स रेसिटेक्स। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कंप्लीट हो चुका है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं कुछ चीजें जो समझने की हैं और जो प्रीलिम्स में भी अब कभी कभी पूछ लेते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं बट प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो रहा है ये आप खुद सोच सकते हैं सारी चीजें। जैसे कि मॉडरेट इन्फ्लेशन था, है ना, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन था 3% बिलो 3%, ये बेनिफिशियल होता है इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी प्राइस बढ़ रही है, जिससे कि प्रोड्यूसर है जो गुड का, जो सेलर है उसे भी फायदा हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और अल्टीमेटली इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होता है, अपन देखेंगे नेगेटिव्स। सो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, पॉजिटिव में यही है कि अगर लिमिटेड प्राइस राइज है, लिमिटेड इन्फ्लेशन है, तो बेनिफिशियल होता है इकोनॉमी के, बिकॉज इससे बढ़ता है इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या इसका रोल होता है। एक बेनिफिट होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिलिप कर्व, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या होता है, इस तरह बनता है, यहाँ इस में आ जाता है इन्फ्लेशन और यहाँ आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, सपोज ये है, अगर इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है। इससे ये कर्व ये बता रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। इस कर्व के अकॉर्डिंग ये कर्व दिया था लुइस फिलिपी, मतलब मुझे याद नहीं, नाम याद नहीं आ रहा सर किसने दिया था, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। इसका भी इसमें भी इशूज़ हैं, ये हर बार सही नहीं होता, अपन आगे देखेंगे। स्टैगफ्लेशन का एक स्टैगफ्लेशन एक टर्म होता है जो आगे पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि इसमें भी ये हमेशा सही नहीं होता। सो अपन बेनिफिट देख रहे थे, बेनिफिट ये है कि अगर लिमिटेड इन्फ्लेशन है तो बेनिफिशियल होगा सेलर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकॉनमी को फ़ायदा होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। ठीक है, और अगर अपन बेनिफिट देखें तो आ जाता है डेबिटर्स के लिए बेनिफिट। ठीक है, बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, ये आप संभाल लें, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेबिटर्स कौन होता है, ये बैंक है। ठीक है, बैंक से आपने लिया लोन, ये आप हैं, तो आप कहलाएंगे डेबिटर। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है, एक टर्म क्या, एक मतलब क्या हुआ इन्फ्लेशन बढ़ने का, यानी रुपीस चीप हो रहा है, समझे आप इसका मतलब। रुपीस चीप मतलब रुपीस लेस वैल्यूएबल हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया था इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो रुपीस की मतलब रुपीस उतना वैल्यूएबल नहीं हो रहा। पहले कोई वही चीज़ 10 रुपये में आ जा रही थी, अब आपको वही चीज़ को अगर 10%, अगर मान लीजिए दुगना हो गया इन्फ्लेशन, 20 रुपये की वही चीज़ आ रही है, तो रुपीस की वैल्यू आपकी कम हो गई,
तो डेबिटर को ये फायदा होगा कि उसने लोन तो ले लिया, अब अगर 5 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसे जो वापस करेगा वो उस रुपीज की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वो रुपीज लेस वैल्यूएबल होगा। इसीलिए जो बैंक लोन देते हैं वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड भी होते हैं, आपने देखा होगा इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, यानी कि इन्फ्लेशन उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ले लिया और आप 10 साल बाद वापस करेंगे और इन्फ्लेशन के कारण वो मनी लेस वैल्यूएबल हो गया तो ऐसा चल जाएगा, वो इन्फ्लेशन को भी इसमें काउंट कर लेते हैं इसीलिए, जिससे घाटा ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टैक्स रेवेन्यू पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइज इन इन्फ्लेशन, अपन ने देखा था कि जो सैलरीज होती हैं, जो डीएनएस अलाउंस होता है वो इन्फ्लेशन से ही इंडेक्स्ड होता है, ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देर में सैलरीज बढ़ेंगी, तो हाई टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे लोग, ठीक है, टैक्स उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा उनकी ज़्यादा सैलरीज होंगी, इससे कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। ये तो अपन ने फायदे देख लिए, जो मेन मेन मैंने आपको बता दिए हैं और आप खुद सोच सकते हैं, बट ये जो मेन चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, एक तो जैसे फिलिप कर्व का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, डेबिटर्स वाला बता दिया, टैक्स रेवेन्यू बता दिया कैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के कारण सैलरी बढ़ेंगी लोगों की, हाई टैक्स ब्रैकेट में चले जाएंगे लोग, है ना, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा जिससे कि टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन निगेटिव बहुत ज़्यादा है, निगेटिव अपन देखेंगे इन्फ्लेशन के, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कम हो रहा है तो फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो बहुत घाटा है। एक तो क्रेडिटर्स को घाटा होता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे डेबिटर है इस केस में, आप डेबिटर थे लेकिन बैंक क्रेडिटर था, तो अब उससे जो मनी वापस मिलेगा, उसने लोन दे दिया, अब जो मनी वापस कर रहे हैं वो लेस वैल्यूएबल है इन्फ्लेशन के कारण, तो उससे तो घाटा हो रहा है ना, तो एक क्रेडिटर्स को घाटा होता है। दूसरा घाटा होता है फिक्स्ड इनकम वालों को, जैसे कि जैसे पेंशन मिल रही है, या फिर जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपको घर से पॉकेट मनी मिल रही है 1,000 रुपये, अब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी 1,500 कर दी जाएगी, लगभग इतनी रहती है, या फिर जो डोमेस्टिक, इवन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो, ठीक है, आपने देखा होगा कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई, मम्मी कहती रहती है ना अगर 100 का तेल 200 में हो गया, चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन आपकी जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो आपके घर में काम कर रहे हैं उनकी तो सैलरी इतनी नहीं बढ़ती है ना, ऐसे अगर उनको पहले 1500 मिल रहे थे तो अब साल में एक ही बार 1600 करेंगे या 1700 कर देंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनकी सीधे 2,500 करती जाएगी, तो उनको घाटा हो जाता है फिक्स्ड इनकम वालों को। और चीज़ें आते हैं, इट डिक्रीज वैल्यू ऑफ सेविंग्स, ठीक है, आपने आपकी सेविंग की वैल्यू कम हो जाती है, सपोज आप सेव कर रहे हैं मनी, हर कोई सेव करता है ना, बैंक में रख दिया आपने मनी, आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% से हो रहा है, तो आपका पैसा आपको एहसास नहीं हो रहा लेकिन घट रहा है आपका पैसा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना आजकल कि बैंक में मत करो फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स में लगाओ, उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है ना, कहते हैं कि वी हैव टू बीट द इन्फ्लेशन, वन हैज़ टू बीट द इन्फ्लेशन जिससे कि प्रॉफिट हो, ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको आपके आप घर में रख, इसमें तो कम से कम 5 मिल रहा है, आपके सपोज घर में रख रहे हैं आप तो कुछ नहीं मिलेगा, बैंक में रख रहे हैं तो आपको 5% मिल रहा है लेकिन इन्फ्लेशन 7% है, तो आपका पैसा घट रहा है, ठीक है, बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर देता है ना, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो अनसर्टिनिटीज बढ़ती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इतना फेवरेबल नहीं रहता, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती बड़ी कंपनियां बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, ये एक चीज़ हो गई। और भी होता है, और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो एक साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए सारी, बाकी चीज़ें तो आप खुद सोच लेंगे, लेकिन फ्लिप कर डेबिटर्स का क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है कि नहीं, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड इनकम वाले, है ना, सेविंग्स की वैल्यू कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट नहीं रहता, बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन हो तो अनसर्टिनिटीज़ आती हैं इकॉनमी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अपन सिंपल भाषा में समझे तो, अब अगर इन्फ्लेशन हो रहा है यानी कि चीज़ों की कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, अगर एक्सपेंसिव हो गई तो उसे खरीदेगा कौन, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। सपोज इंडिया किसी को कुछ बेच रहा है,
100 रुपये में, दूसरी कंट्री बेच रही है 80 रुपये में, तो दूसरी से खरीदेगा ना, अपन से तो नहीं खरीदेगा। यानी कि अगर अपना इन्फ्लेशन, अपनी चीज़ें महंगी हो गई तो खरीदना बंद हो जाएगा, जैसे एक्सपोर्ट कम होगा एंड इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अलावा एक अपन ने यहाँ देखा था ना कि लोग अगर इन्फ्लेशन के पॉजिटिव में देखा था, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सैलरी बढ़ती है, तो हाई टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं लोग, जिससे कि टैक्स रिवेन्यू बढ़ता है। लेकिन एक घाटा भी है, हाई टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं जाने के कारण नेट इनकम जो रहती है ना लोगों की, वो रहती है सेम। उनकी सैलरीज बढ़ी लेकिन आप टैक्स लेने लगे, नेट इनकम सेम रही, जिससे कि जो उनकी रियल इनकम थी वो कंपेरेटिवली कम हो गई। कम कैसे हो गई? कि सैलरी बढ़ने का तो उन्होंने टैक्स दे दिया, तो उनकी सैलरी लगभग, नेट इनकम जो है वो लगभग सेम रही, ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था तो उनको घाटा हो गया। और अल्टीमेटली अगर उनकी सैलरी लोगों की कम रह जाएगी देन इट विल लीड टू डिक्रीज्ड एक्सपेंडिचर विल नेगेटिवली इम्पैक्ट अवर इकॉनमी। लोग खर्च नहीं करेंगे तो इट विल नेगेटिवली, खरीदेंगे नहीं तो इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट अवर इकॉनमी। ये कॉन्सेप्ट भी अपन आगे देखेंगे। तो अपन ने क्या देखा कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। कुछ अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि एम्प्लॉयमेंट अगर बहुत कम है तो बेनिफिशियल है, एम्प्लॉयमेंट कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, कैसे डेबिटर्स को फ़ायदा होता है, टैक्स रिवेन्यू बढ़ता है गवर्नमेंट का। लेकिन नेगेटिव्स में देखा अपन ने कैसे क्रेडिटर्स को नुकसान होता है, फिक्स्ड इनकम वाले लोगों को नुकसान होता है, सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है नेट। और अपन ने यहाँ देखा कि नेट इनकम भी कम हो जाती है ना। अपन ने देखा यहाँ कि सैलरीज बढ़ी, हाई टैक्स ब्रैकेट में गए तो टैक्स उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन चीज़ों के दाम तो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही थी उसी वजह से उनकी सैलरी बढ़ी थी, तो अल्टीमेटली उनकी जो रियल इनकम है वो थोड़ी कमी हो जाती है और एक्सपेंडिचर कम होता है और इकॉनमी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। सो अपन ने देखा कि नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, बिलो 3% है, अराउंड 3-4% बिलो 3% है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो इन्फ्लेशन हार्मफुल है इकॉनमी के लिए। और इसके लिए, इसी वजह से बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे स्टेप्स लेती हैं गवर्नमेंट, और RBI भी बहुत स्टेप्स लेता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं इनके पास टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जैसे RBI के पास अपन बैंकिंग जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं आगे उसकी भी लेक्चर्स बनाऊंगा तो देखना आप, ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं टू रेगुलेट इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके अलावा रेट ट्रांसमिशन होता है, एक आप सुनते होंगे ना रेपो रेट कम हो गए, क्वांटिटी टूल का पार्ट होता है एक रेपो रेट, वो कम हो गया, अपन आगे देखेंगे अभी यहाँ इतने अच्छे से, फिर अलग ही वो चैप्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये टूल्स होते हैं बाय इन RBI के पास टू रेगुलेट द इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर सकती है इन्फ्लेशन को? डिमांड सप्लाई करके, जैसे कि सपोज टैक्सेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, सोचिए। आपको सोचना ही पड़ेगा, इकॉनमी में थोड़ा सोचना पड़ता है। टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, सपोज आपको आपकी सैलरी में ज़्यादा टैक्स लगने लगा तो आपकी जो नेट इनकम, आपके पास फाइनल इनकम आएगी वो कम आएगी, कम आएगी तो आप कम खर्च करेंगे तो डिमांड कम होगी चीज़ों की, तो बस इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। समझ आ गया ना, सिंपल है। इसके अलावा आ जाता है सपोज पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो भी कम हो जाएगा, बस मनी सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अगर ब्लैक मनी कम कर दे, ब्लैक मनी से क्या होगा, ब्लैक मनी से भी डिमांड कम हो जाएगी, जैसे लोग ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है मार्केट में जिसके कारण लोगों के पास इलीगली बहुत पैसा आ जाता है और वो उससे बहुत चीज़ें खरीदते हैं, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है चीज़ों की, फालतू की चीज़ों की, एक्सपेंसिव चीज़ों की, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अगर ब्लैक मनी सर्कुलेट नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, इलीगल पैसा, डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रेशनलाइजिंग सब्सिडीज,
रेशनलाइजिंग सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही है वो कम कर दे, जिससे कि मनी सप्लाई कम रहेगी। सब्सिडीज बेसिकली क्या होती है, पैसा होती है जो सरकार दे रही है, अगर पैसा कम होगा लोगों के पास तो कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगी वो हो जाएगा। ये बेसिकली टूल्स हैं जो गवर्नमेंट, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना, मतलब ये टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास जो कर सकती है गवर्नमेंट रेगुलेट करने के लिए इन्फ्लेशन को, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ, अब इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट सपोज टैक्सेस अगर बढ़ा दे तो क्या होगा इन्फ्लेशन में। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे, आप जो इनकम है उसमें टैक्स बढ़ जाए तो क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो आपके पास इनकम कम हो जाएगी, आप कम चीज़ें खरीदेंगे यानी चीज़ों की डिमांड कम होगी तो उससे इन्फ्लेशन कम होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब्सिडीज़ अगर कम कर दे गवर्नमेंट तो क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है कि सब्सिडीज पैसा है एक तरीके से जो गवर्नमेंट दे रही है, पैसा कम देगी यानी मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी चीज़ों की, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो डिमांड साइड के बाद सप्लाई साइड भी बहुत सारे टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, जैसे कि है ना, सप्लाई साइड टूल्स कौन से होते हैं, जैसे कि पीडीएस, इफिशियंट पीडीएस सिस्टम हो जाए, ठीक है, पीडीएस में कोई लीकेज ना हो, और जैसे कि होल्डिंग कम हो जाए। सप्लाई साइड मतलब जैसे कोई भी चीज़ सप्लाई हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना, अब वो सप्लाई होगा, इसमें सप्लाई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे अगर सप्लाई के बीच में होल्डिंग हो गई यानी कि उसको किसी ने इकट्ठा करके रख लिया और फिर अपने हिसाब से रिलीज़ कर रहा है, तो आर्टिफिशियल है ना डिमांड क्रिएट हो जाती है होल्डिंग के बाद, जिससे कि दाम बढ़ जाते हैं। अगर होल्डिंग गवर्नमेंट प्रिवेंट कर दे, होल्डिंग प्रिवेंशन कम हो जाएगा है ना, जैसे कि स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं वेरियस सेक्टर्स में उसे रिजॉल्व कर दें, जिससे कि ईजी हो जाएगी प्रोडक्शन, ईजी हो जाएगी चीज़ों की सप्लाई, सप्लाई स्मूथ हो जाएगी, चीप सप्लाई हो जाएगी, चीप प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इशूज़ हैं, लैंड का इशू है, लेबर का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, अगर ये सारी स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं ये रिजॉल्व हो जाएँ तो जो इंडस्ट्री चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं वो अपने आप सस्ती हो जाएंगी, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सो ये बहुत सारे, ये कुछ मेजर्स हैं, स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई ले सकती है, जो अपन आगे देखेंगे, और गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई साइड में कैसे डिमांड और सप्लाई मेजर्स लेके कैसे इन्फ्लेशन को रेगुलेट कर सकती है। इन्फ्लेशन चैप्टर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं आपको पता होने चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं एज ए वन लाइनर। सबसे पहले आ जाता है बेस ईयर और बेस इफेक्ट, साथ में अपन देखेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% थी 2021-22 में, कुछ लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा हो गई, बट इसकी बहुत ज़्यादा होने की एक मेन वजह ये थी क्योंकि आप जीडीपी ग्रोथ रेट किस बेसिस पे बताते हैं, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है ना, कि एक साल में इतनी हुई ग्रोथ रेट, तो जिस ईयर के बेसिस पे आप बता रहे हैं उसे बोलते हैं बेस ईयर, कि 2021-22 बेस ईयर हो गया। और बेस इफेक्ट क्या होता है, बेस इफेक्ट ये है कि इस साल इतनी ज़्यादा 9.2% कैसे आ गई जीडीपी, क्योंकि इस साल नेगेटिव थी, जो बेस ईयर था उसमें नेगेटिव थी, जिसके बेसिस पे आप बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा आ जाता है फिलिप कर्व, फिलिप कर्व अपन ने देख लिया था क्या होता है, फिर से बता देता हूँ मैं। इस साइड आता है इन्फ्लेशन, इस साइड आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। बट इसमें एक बड़ा बट आ जाता है, ये एक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करता, विच इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो हाई रहता है लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई रहती है। एक्चुअल में क्या था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लेकिन इसमें उल्टा होता है। ये अपन आगे और देखेंगे क्या होता है इसका मतलब। उसके बाद आता है वेज प्राइस स्पायरल, नाम से पता चल रहा है कि अगर किस प्राइस बढ़ती हैं तो वेज भी बढ़ जाती है। अपन ने देखा था है ना हाई टैक्स ब्रैकेट में, जब मैंने बताया था कि जैसे कि किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो वेजेस होते हैं वो इन्फ्लेशन ही से तो लिंक्ड होते हैं है ना, तो अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो वेज बढ़ जाएगी आपकी, वेज आपकी बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों, वेज अगर आपकी बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की,
डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। फिर आता है ब्रैकेट क्रीप। ब्रैकेट की क्रीप भी अपन देख चुके हैं। ब्रैकेट क्रीप क्या होता है? अगर इन्फ्लेशन होता है ना, अपने देखा था ना इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के कारण आपकी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो आप हाई टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे, जिससे कि रिवेन्यू, जो टैक्स रिवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो बढ़ता है। इसे बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। इन्फ्लेशन के कारण सैलरी बढ़ने के कारण हाई टैक्स ब्रैकेट में जाना ब्रैकेट क्रीप कहलाता है, जिसके कारण इनिशियली तो टैक्स रिवेन्यू बढ़ जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में होता है फाइनेंशियल ट्रैक, जो अपन ने देखा था। और अगर अपन अच्छे से समझते हैं, ऐसे सिंपल सा है ये भी, टैक्स रिवेन्यू बढ़ गया, ठीक है, लेकिन हाई टैक्स ब्रैकेट में जाने से जो इनकम थी, जो रियल इनकम है, वो तो कम हो गई। कैसे कम हो गई? सैलरी बढ़ी, लेकिन आप टैक्स भी तो ज़्यादा दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी सैलरी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ये 10% हो रहा था तो आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी 10%, लेकिन आपकी सैलरी 10% बढ़ गई, लेकिन टैक्स आप ज़्यादा देने लगे, तो जो आपकी रियल इनकम है उसमें ज़्यादा, तो जो आपकी इनकम है उस सैलरी है उसमें ज़्यादा, इतना ज़्यादा 10% से कम इंक्रीमेंट आएगा, less than 10%, है ना, बिकॉज आप टैक्स देने लगे। सो अल्टीमेटली रियल इनकम आपकी कम हो गई, जितनी इन्फ्लेशन, जितनी चीज़ें महंगी हुई थी उतनी इनकम आपकी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि आपकी इनकम में टैक्स लग गया। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रैक। इसे नहीं बोलते, मतलब उसके कारण आपकी रियल इनकम कम हो गई, जिससे कि डिमांड कम हो जाएगी, है ना, जिससे कि अल्टीमेटली देर इज डिक्रीज इकोनॉमी को लॉस होगा। ऐसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रैक, इनकम अल्टीमेटली कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी चीज़ों की, लोग चीज़ें कम खरीदेंगे तो नुकसान होगा इकोनॉमी को, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रैक। अब अपन देखेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है करंट लेवल ऑफ जीडीपी, जो उस समय जीडीपी है, माइनस जीडीपी ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी इफ इकोनॉमी ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसे कहते हैं अपन पोटेंशियल जीडीपी, और इसे कहते हैं रियल जीडीपी जो है इस समय, माइनस जो पोटेंशियल है। इसका मतलब ये, इसमें ये बता, इन्फ्लेशनरी गैप तब होता है जब रियल जीडीपी ज्यादा हो जाए पोटेंशियल जीडीपी से, रियल जीडीपी एक्सीड्स द पोटेंशियल जीडीपी। इसका मतलब समझे आप कि डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द प्रोडक्शन, है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि वेरी हाई लेवल ऑफ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज्ड ट्रेड एक्टिविटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि जो करंटली जीडीपी है वो ज़्यादा है उस जीडीपी से, जब अपनी कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट करेगी उससे भी ज़्यादा है। यानी कि सिंपल सा आपको याद रखना है, जो डिमांड है इट इज मोर देन सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट है टर्म, ये पूछ लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यानी कि चीज़ों की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है। दूसरा आता है डिफ्लेशनरी गैप, ये उल्टा है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, जस्ट अपोजिट है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। यानी कि यहाँ क्या हो रहा था, रियल पोटेंशियल से ज़्यादा थी, यानी कि यहाँ पर जो डिमांड थी लोगों की वो सप्लाई से ज़्यादा थी, इतना लोग कमा रहे थे कि जो सप्लाई हो रही थी वो कम पड़ जा रही थी। यहाँ उल्टा है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, जो टोटल स्पेंडिंग है इकॉनमी में इट इज़ इनसफिशियंट टू बाय ऑल द आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा फुल एम्प्लॉयमेंट में वो बाय नहीं कर पा रहे हैं लोग, इतना लोगों के पास पैसा नहीं है, या इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया है, एक्सपोर्ट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है, इन किसी भी वजह से जो भी चीज़ें फुल एम्प्लॉयमेंट में प्रोड्यूस होती वो लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं। इसे बोलते हैं यानी कि सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, डिमांड कम है, लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, इसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। आपको सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है। इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब है पेनल्टी ऑफ होल्डिंग कैश एट ए टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन, ठीक है,
सपोज बहुत हाई इन्फ्लेशन है, आपके पास कैश है तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अपन ने देखा था इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपीज़ का वैल्यू कम होता जाता है, तो आपकी जो भी करेंसी है उसका वैल्यू कम होता जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आपने 100 रुपये हैं, आपने वो रखे हुए हैं, 1 साल तक रखे रहे, लेकिन इस समय बहुत हाई इन्फ्लेशन था, 20% इन्फ्लेशन था, तो आप पहले 100 रुपये से कुछ चीज़ खरीद पा रहे थे, अब वो चीज़ 20% महंगी हो गई तो आप नहीं खरीद पाएंगे। यानी कि इट इज़ अ पेनल्टी ऑन यू टू होल्ड कैश एट अ टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन प्रीमियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद किसी साल आया था इन्फ्लेशन टैक्स को, ये क्वेश्चन आया था जैसे मेंस में आया था कुछ साल पहले, काफी साल पहले आया था। इन्फ्लेशन प्रीमियम है का मतलब है हाई रिटर्न दैट इन्वेस्टर और लेंडर, इन्वेस्टर और लेंडर, लेंडर जैसे कि बैंक लेंड करता है, वो डिमांड इन एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वेयर इन्फ्लेशन हैज़ ए ग्रेटर पोटेंशियल टू रिड्यूस द रियल रिटर्न। आप समझे इसका मतलब? जैसे कि मैंने बताया था ना कि बैंक ने आपको लेंड दिया, कुछ पैसा दिया, या आपने आपको पैसा दिया, या आपकी किसी इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट किया आप पे किसी भी चीज़ पे, कोई बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया, आप इसे आप 10 साल बाद का सपोज इन्वेस्ट किया, 10 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, 10 साल का लोन है, आप जब इसे वापस करेंगे तो 10 साल बाद रुपीज़ की वैल्यू सेम थोड़ी रहेगी। 10 साल पहले जो रुपीज़ की वैल्यू थी वो आज वो थोड़ी है। चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना, करेंसी की बेसिकली रुपी, ठीक है, किसी भी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो एक इन्फ्लेशन प्रीमियम डिमांड करता है, जो भी आपको दे रहा है पैसा इन्वेस्टर या बैंक है, जो भी आपको पैसा दे रहा है वो इन्फ्लेशन प्रीमियम डिमांड करता है, ठीक है, जो कंपनसेट कर ले प्राइस राइज को। समझे आप? यानी इन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग कर ली जाती है कि जैसे अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5% है, अगर इन्फ्लेशन 1% मान लो, 2% इन्फ्लेशन भी हो गया तो आपको ये भी देना पड़ेगा वापस। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। खासकर तब होता है जब लॉन्ग टर्म आपको लेंडिंग की जाए, बिकॉज उसमें बहुत, जैसे कि 10 साल पहले कितनी चीज़ें सस्ती थी, आज सपोज 50 रुपये की मिल जाती थी, आज 200 की मिल रही है, यानी कितनी महंगी हो गई, रुपीज़ की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा गिर गई है, ठीक है। आपने 10 साल पहले आप किसी ने बैंक ने आपको लोन दिया 50 रुपये का, आप आज अगर उसे 50 का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा के 60-70 लौटा देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, आपको वो भी तो लौटाना पड़ेगा जो दो है ना, जो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ी है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ। अब कुछ बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस कम होना, एंड इट इज़ बैड फॉर इकोनॉमी। प्राइस कम होती है, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, सेलर्स को नुकसान होता है, और प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। डिस इन्फ्लेशन इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डीफ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस कम हो रही चीज की। डिस इन्फ्लेशन इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पहले 5% से बढ़ रही थी, ठीक है, अब 3% से बढ़ रही है, बढ़ अभी भी रही है। डिस इन्फ्लेशन इज नॉट डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस तो बढ़ ही रही है लेकिन रेट कम हो गया है उसके बढ़ने का। री इन्फ्लेशन यानी कि इट इज सीन इन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। यानी कि पहले प्राइस कम हो गई थी, नाम से पता चल रहा है, रीफ्लेशन, ठीक है, रीफ्लेशन यानी कि पहले कम हो गई थी और फिर बढ़ने लगी। पहले किसी चीज की प्राइस घटी, कम हो गया था, फिर बढ़ गई, इसे बोलते हैं री इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो अपन देख चुके हैं, मैंने बताया था कि और देखेंगे, इसमें इन्फ्लेशन तो हाई रहता है लेकिन फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अगर इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है, यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है, इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये जनरली जनरली ये कब होता है? कॉस्ट पुश फैक्टर्स के कारण, यानी कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, जैसे कि 1970s में हुई थी गल्फ क्राइसिस, आपने सुना होगा गल्फ क्राइसिस के कारण जो ऑयल के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया था, ठीक है। कॉस्ट ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, इसी को बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो कोई भी कॉस्ट पुश, जनरली स्टैगफ्लेशन होता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण होता है। अब ये एक डायलेमा होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक डायलेमा है, क्लियर नहीं होती गवर्नमेंट कि
क्योंकि अगर सपोज गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि इन्फ्लेशन कम कर देते हैं, चलो ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कम कर देते हैं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और बढ़ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट ने मेजर लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आपको समझ आ रहा है? सपोज जैसे गवर्नमेंट ने तय किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देते हैं, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देते हैं सॉरी, ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, लोगों को नौकरियां अगर मिलने लगी खूब, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, लोगों के पास बहुत पैसा आने लगा, सबकी जॉब लग गई, तो डेफिनेटली पैसा रहेगा लोगों के पास, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करेगी तो दूसरे को नहीं कर पाएगी, इन्फ्लेशन को नहीं कर पाती। अगर इन्फ्लेशन को टैकल कर रही है कि लोगों के पास पैसा कम हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर ऐसे स्टेप्स ले रही है कि सपोज जॉब कम कर देंगे, जॉब नहीं देंगे, या कोई भी स्टेप्स ऐसे ले रही है जिससे कि मनी सप्लाई कम कर देंगे या फिर कैपिटल इनफ्लो कम कर देंगे, सपोज गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि अब जो पैसे की सप्लाई है वो कम कर देंगे जिससे कि प्रोडक्शन, जैसे कि लोन महंगा कर देंगे या कुछ भी महंगा कर देंगे जिससे कि इंडस्ट्री सेटअप ना हो पाए, है ना, मनी सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाए। मनी सप्लाई कम होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा मनी सप्लाई होने से, लेकिन मनी सप्लाई कम होने से सपोज जो किसी एक इंसान को इंडस्ट्री सेटअप करनी थी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि मनी नहीं है उसके पास, मनी सप्लाई कम है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो एक डायलेमा होता है गवर्नमेंट के लिए जिससे निकलना बहुत कठिन है, आप दोनों को टैकल नहीं कर पाते, आपको समझ आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन यानी कि रेट ऑफ, यानी कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इज बिलो टारगेट, ऑफिशियल टारगेट सेटअप करता है आरबीआई कितना होना चाहिए, उससे नीचे है तो उसे बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है? स्क्यू इन्फ्लेशन होता है जब सर्टेन आइटम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं एज कम्पेयर टू अदर आइटम्स। ठीक है, जैसे कि सपोज किसी भी, जैसे फूड आइटम्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और बाकी आइटम्स के प्राइस, है ना, ये फूड आइटम्स के प्राइसेस हैं, ये नॉन फूड के इतने बढ़े, नॉन फूड के ही बढ़ रहे हैं लेकिन इसके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ जा रहे हैं दूसरे के कंपैरिजन में, तो ऐसे बोलते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन, किसी भी चीज़ के दाम दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सो दिस इज एंड ऑफ इन्फ्लेशन चैप्टर। अपन ने क्या क्या पढ़ा, वॉट इज इन्फ्लेशन, वॉट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अपन ने बहुत सारे बेसिस पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे, देन वी हैव सीन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, देन वी हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन हाउ टू रिड्यूस आरबीआई एंड गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस करती है इन्फ्लेशन को, देन अपन ने बहुत सारे टर्म्स देखे। तो इतनी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, इन्फ्लेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, और ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, बाकी वैसे इम्पॉर्टेंट साल है, पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, आपको सब बनना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो ईजिली आप क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स भी और मेंस के भी, आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है। इतना ही पढ़ के, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया और चीज़ें भी इंक्लूड कर दी जो मुझे लगा कि मैंने मिस कर दी थी, यही करके मैंने 2021 और 2022 दोनों प्रीलिम्स क्लियर कर लिए थे। आप भी इजिली कर लेंगे अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, ये मोर देन सफिशेंट है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।